बच्चा बाहाघर पर चली प्रस्तुति। अंबानी परिवार पक्षर जामनगर एक विशाल मंदिर परिसर में निर्माण नुआ मंदिर निर्माण होता नुआ मंदिर बुली देखी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेन्टर अध्यक्ष नीता अंबानी मंदिर कारुकार्य बुली देखा सह कारीगर को प्रशंसा करते नीता मंदिर में स्थान पाई अनेक देवादेवी ए अवसर में स्थानीय लोकों आलोचना करते नीता अंबानी भारतीय परंपरा संस्कृति को आगे ने प्रयास जारी रखी नीता अंबानी गुजरात रो जामनगर रे आयोजन चली रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी सान पु अनंत अंबानी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन प्रस्तुति मार्च एक रु तीन मार्च पर्यंत चलो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन आसंता जुलाई में शिल्पपति वीरेन मर्चांट झील राधिका मर्चांट अनंत अंबानी बाहा सब रचना की हुई है मंदिर की रचना उनके मूर्ति रूप भेद मतलब आकारों की विविधता प्रमाणानी उनकी हाइट्स भाव लावण्य नवरस के प्रति होने वाले मंदिरों से आने वाले भाव योजना सुंदरता वर्णिका भंगस्य मीन्स के टेक्सचर्स कलर्स लगा मेन अंग यही है ब्यूटिफुल। जय श्री कृष्ण ना बारीक काम आपने किया है तो आपने कहाँ से सीखा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गली गली जाके मैं दुकान दुकान पे चाय बेचता था। नीता मैम ने बहुत शुभ अवसर पे बुलाया है अनंत जी के शादी में और सभी 14 मंदिरों का निर्माण हुआ है। आज देख रहे कि ये मंदिरों के निर्माण में कई सारे मजदूर लोग कलाकार जुड़े हुए अलग कम्युनिटी और अलग मजहब के लोग हैं। भगवान जी के ये शुभ कार्य में ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और ये कार्य सफल हो रहा है। जय श्री कृष्ण केम छो बदा बहु फाइन गायो तू रोज मंदिर आवे हां अरे वाह बाय हाल जो गमे छे पण बधू सारू लागे छे आ बधू परमानेंट ट्रैक परमानेंट छे एक વાર થઈ જશે પછી તમને લોકોને બહુ આનંદ આવશે અહીંયા જય શ્રી કૃષ્ણ આપને સબ જય શ્રી કૃષ્ણ આપ સબકો નમસ્તે સુનીલ જી ये सब बनाने के पीछे इतनी सुंदर मूर्तियाँ उसके बारे में कुछ बताइए। रूप भेद प्रमाणानी भाव लावण्य विवेचनम सादृश्य वर्णिका भंगस्य इति चित्र षडंगम ये जो हम लोग के षडंग के जो नियम है इसी आधार पर ये सब रचना की हुई है मंदिर की रचना उनके मूर्ति रूप भेद मतलब आकारों की विविधता प्रमाणानी उनकी हाइट्स भाव लावण्य नवरस के प्रति होने वाले मंदिरों से आने वाले भाव योजना सुंदरता वर्णिका भंगस्य मीन्स के टेक्सचर्स कलर्स ये सब यहाँ पे हम लोगों ने लाने की कोशिश की है। यही चित्रकला शिल्पकला और वास्तुकला का मेन अंग यही है। ब्यूटिफुल। जय श्री कृष्ण ना बारीक काम आपने किया है तो आपने कहाँ से सीखा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ और जहाँ तक मेरी कला का ये है तो मैं बचपन से ही इसमें रुचि है मेरी। तो आपने खुद सीखा ये सब? खुद सीखा फिर बाद में हमने गुरु भी बनाए अपने गली गली जाके मैं दुकान दुकान पे चाय बेचता था लोगों को। अच्छा। और साथ ही समय निकाल के अपना पेंटिंग भी करता था मतलब वो कार्य मैंने छोड़ा नहीं। भगवान की कृपा आप पे ऐसी ही रहे।